अगली खबर के लिए रुख कर रहे हैं जगदलपुर की ओर, जहां भारतीय जनता पार्टी ने पत्रकार वार्ता लेकर निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि निगम को सिर्फ धनवान लोगों की चिंता है, शहर में बसने वाले मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब तबके के लोगों की ओर निगम प्रशासन का ध्यान ही नहीं है। दरअसल उद्योग चलाने वाले लोगों का संपत्ति कर माफ करने का निर्णय निगम प्रशासन ने लिया है, जिसे लेकर पार्षद योगेंद्र पांडे ने आरोप लगाया कि निगम सरकार को गरीब जनता से कोई वास्ता नहीं, यह सरकार केवल अमीरों के लिए ही काम कर रही है। योगेंद्र पांडे ने कहा कि जल्द ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। लाखों आप कोशिश कर दो, लेकिन वो खड़े होकर बोलते हैं कि हम 29 हैं, हमारे बातों को नहीं सुनेंगे, जनता के बातों को नहीं सुना करें। आज हम इसलिए बैठे हैं कि इसकी बहुमत की दादागिरी को जनता समाप्त करे। इसी दादागिरी को हम नहीं चलने देंगे, जो बोलोगे वो नहीं चलेगा। जनता ने आपको जो जवाबदेरी दी है, जो आपने घोषणा पत्र जारी किया है, वो पूरा नहीं कर रहे और बहुमत की दादागिरी दिखा रहे हो। ये पीछे बैठे हुए पार्षद ये भी तो चुने हुए हैं ना, अगर ये कोई क्वेश्चन करते हैं तो आप बोलते हो कि हमारा बहुमत है, हम जवाब नहीं देंगे। कोई काम के लिए बोलते हो तो बोलते हम काम नहीं करेंगे। तो ये बहुमत की दादागिरी और जनहित के कामों को नहीं सुनना, नहीं करना इनकी नियति बन गई। सदन में होगा, हम अविश्वास प्रस्ताव बहुत जल्दी लाएंगे, बहुत जल्दी लाएंगे। उनके पार्षद ही नाराज है, उनके पार्षद बोल रहे हैं कि लाओ। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल हर क्षण हर सच।